हेलो दोस्तों, आज जिस वीडियो के बारे में आपको देखूंगा, शतरंजी सीआरटी मॉनिटर का एक प्रॉब्लम, तो आप खुद एक बार देख लीजिए। ई टीवी का जो प्रॉब्लम, इसका लाइट बहुत कम है और मैं कुछ टाइम ऑन करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, ये धीरे से इसका पिक्चर आ जाता है, तो लगता है कि इसका बेस प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मेरा चैनल का जो वीडियो मैं जो बनाता हूँ, आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा एक वीडियो में, ठीक है? तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, एक बात, ये वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देख के रखा है। आप चाहे तो वो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के बाद आपका अपना प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अभी तक वो ग्रुप पर बहुत मेंबर ज्वाइन हुआ है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करके आप देखिए। आप स्किप करेगा तो बहुत कुछ मिस जाएगा, और ये वीडियो आप बिना स्किप करके देखिए तो बहुत कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो ये जो टीवी का प्रॉब्लम आप खुद देख सकते हो, मैं कुछ टाइम लाइन देख के रखा हूँ और कुछ टाइम में बाद लाइन देने का बाद देखा जाता है, ये जो कंपनी का लोगो ये क्लियर आ जाता है। और दोस्तों, ये जो जेयो का जो टीवी है, आप देख सकते हो, ये जो कंपनी का टीवी है, ये जो लिखा होता है, ये देखिए, जो स्टिक टीवी का कैबिनेट पर जो लिखा है, ये आप कुछ भी स्टिकर लगा सकते हो और ये लेखा को आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप फॉलो कीजिए कैसे लेखा को चेंज किया जाता है, ठीक है? तो बहुत दिन पहले से वो वीडियो मैं बना के रखा हूँ, अभी तक ये टीवी को मैं पिक्चर नहीं दिया। तो दोस्तों, आइए मैं पिक्चर देख के एक बार देख लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी देख लीजिए, मैं पिक्चर लाइन दे दिया और इसका जो लेखा बहुत सा लाइट कॉम है, और ठीक है, मैं वीडियो एक बार प्ले करके देख लेता हूँ इसका पिक्चर का क्वालिटी कैसे दिखा जाता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो प्ले किया और इसका जो लाइट देखिए अभी तक बहुत कम है, और कुछ टाइम ये टीवी ऑन करके रखने का बाद इसका पिक्चर साफ आ जाता है, ठीक है? लगता है कि इसका बेस प्रॉब्लम है। तब भी दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम ईएसटी से भी हो सकता है और पिक्चर ट्यूब से भी हो सकता है, ये एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है? तो दोस्तों, ये जो पिक्चर क्वालिटी ये अच्छा नहीं है, ये पिक्चर को मैं क्लियर करके देखूंगा, ये टीवी को रिपेयर करके। और रिपेयर करने से पहले आपको फिर भी बताता हूँ, ये वीडियो स्किप मत कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं टीवी को बैक कवर ओपन किया, ठीक है? ये दोस्तों, आप देख सकते हो, ये 17 इंची का सीआरटी मॉनिटर है, और इसका जो अंदर ये जो बेस होता है और ये जो चॉपर होता है, इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक के ऊपर आपको बताऊंगा और देखाऊंगा, ठीक है? फर्स्ट इसका जो बेस मैं ओपन कर लेता हूँ, ये धीरे से सावधानी से ओपन करना पड़ेगा। अब देख सकते हो, ये बेस का दो फोकस पिन है, ठीक है? और ये 17 इंची वाला जो पिक्चर ट्यूब होता है, इसका दो फोकस पिन होता है। तो मैं इस वीडियो में ये सिंगल फोकस पिन बेस लगा के दिखूँगा, ठीक है? तो दोस्तों, देख लीजिए एक बार, आपको क्लियर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दो फोकस पिन का बेस है। तो फर्स्ट दोस्तों, मैं ये बेस को मैं सोल्डरिंग ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये बेस में
ओपन करने के बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इसका जो ग्राउंड पिन होता है इसका, ये सिर्फ अलग साइड का है, बाकी सब पिन कनेक्शन सेम ही होता है, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये बेस को मैं इस पर ही कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए ये नॉर्मल सा जो सेम पिन कनेक्शन RGB फिलामेंट सभी सेम है, ठीक है। और ये जो दो पॉइंट होता है ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन वो पत्ती नेगेटिव का साथ ही कनेक्शन है। और ये जो फोकसिंग का जो ESD का जो वायर होता है ये यहाँ से ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट मैं ये बेस को ओपन किया, ओपन करने का बाद नॉर्मल सा ये आप सोल्डरिंग काट दीजिए तो कनेक्शन हो जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बेस को मैं बेस बोर्ड से सोल्डरिंग काट देता हूँ, ठीक है। दोबारा ये आपको मैं सेट कर लेता हूँ और ये मैं सोल्डरिंग करने का बाद आपको देखाऊंगा। और दोस्तों ये देखिए ये जो बेस होता है ये नॉर्मल से ये बेस ये पिक्चर टिप पर नहीं लगेगा, तो इसलिए ये जो पिक्चर ट्यूब का जो बेस होता है थोड़ा सा आपको काट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बेस को मैं ऊपर साइड रखूँगा और नीचे साइड काट करूँगा, ठीक है। तो कैसे काट किया जाता है आपको दिखाता हूँ। अब आयरन से ही इसका जो बेस प्लास्टिक बेस होता है ये आप इस तरह काट कर सकते हो, और ये बेस को आप ओपन करके बाहर से काट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा स्पीड कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं काट करने के बाद ये नीचे साइड में काट किया, और आपको ये जो दो पिन होता है, ठीक है, ये दो पिन को आपको इसी का समय साफ कर दीजिए, क्योंकि इसका अंदर सल्फर रहेगा तो अब न्यू बेस लगाएगा और वो न्यू बेस कुछ दिन बाद वो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं ये दो पिन को साफ कर लेता हूँ। तो ये पिन को आप अच्छा करके साफ़ कीजिए छोड़ा और चाकू लेके कुछ भी लेके, और मैं थोड़ा सा थिनर लेके मैं दे देता हूँ, और थिनर से मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। आपका जो मतलब होता है ये दो पिन को आपको साफ़ करना पड़ेगा और उसका बाद। तो दोस्तों ये एक वाइटल काम होता है, ठीक है। छोटा सा वायर लेके ये जो दो पिन होता है ये दो पिन को आप शॉर्ट कट दीजिए, ठीक है। मैं जिस तरह काटता हूँ आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये दो पिन को मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये शॉर्ट करने का बाद आपको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, ये मैं टाइट कर दिया, और थोड़ा सा रंग आप कर सकते हो, क्योंकि इसका जो जॉइंट ये ओपन ना हो जाए, और अलग एक्स्ट्रा वायर को कट कर दीजिए, ठीक है। तो ये दो पिन को मैं जॉइन कर दिया। ये जॉइन करने का बाद अब देख लीजिए मैं किस तरह ये काट किया और नीचे साइड काट किया, ठीक है। तब इसका जो सिंगल फोकस फोकस वाला सिंगल बेस होता है फोकस वाला वो आसानी से लग जाएगा। और ये दोस्तों एक
पेस्ट है, सोल्डरिंग पेस्ट, मैं इसका अंदर लगा देता हूँ, क्योंकि ये पेस्ट इसका अंदर थोड़ा सा देगा तो सल्फर नहीं आएगा और नया बेस ये बहुत दिन चलेगा, ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये मैं जो सिंगल बेस लगाया, ये सिंगल बेस आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैं कनेक्शन करके आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। उसके बाद मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ, आप खुद देख लीजिए क्या रिजल्ट आता है, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया और स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों ये व्हाइट स्क्रीन आ गया, लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, और ये कंपनी का जो लोगो वो भी नहीं देखा जाता है, तो ठीक है मैं सेट को स्टॉप कर दिया। और देखा है कि ये जो बेस में कनेक्शन किया है, ठीक है, और जो लास्ट वाला पिन होता है दोस्तों आप देख सकते हो, ये पिन को मैं अभी ओपन किया है। कुछ कुछ चाइना किट पर देखा जाता है कि कुछ कुछ चाइना किट पर ये पिन को ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये ओपन किया है और ओपन करने के बाद एक बार लाइन दे के आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों मैं लाइन दे दिया, आप देख सकते हो फिलामेंट जल गया। और स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, ये देखिए ये पिक्चर वीडियो सब कुछ ओके आ गया, ठीक है। तो दोस्तों एक बार वीडियो प्ले करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा रुकिए, मैं वीडियो प्ले करता हूँ। तो दोस्तों स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, देखिए इसका जो पिक्चर क्वालिटी ये ओके आ गया है, अब देख सकते हो। तो दोस्तों इसका पिक्चर ओके आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ अब ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो दोस्त ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो दोस्त को मैं थैंक यू देता हूँ। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, और आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो बेस मैं चेंज करके सिंगल फोकस पिन बेस लगाया, सिर्फ आपको देखने के लिए लगाया, क्योंकि ये दो फोकस पिन वाला बेस सभी जगह पर नहीं मिलता है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। लेकिन दोस्तों ये बेस मेरा पास है, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए ये सिंगल फोकस पिन बेस मैं लगाया। और देखिए ये पिक्चर ट्यूब का जो बेस होता है ये मैं नीचे साइड काट करके लगाया। और एक बात दोस्तों, ये जो फोकस पिन का दो पिन होता है, ठीक है, ये देखिए ये ऊपर साइड का आपको नहीं काट करना पड़ेगा। तो ये जो पिन मिडिल पिन जो फोकस पिन होता है, ये जो पिन कनेक्शन होता है, ठीक है, ये जो दो पिन होता है ये इसका ऊपर वाला जो पिन होता है, ऊपर वाला पिन का अंदर, ऊपर वाला का जो पिन होता है वो ये बेस का अंदर चला जाता है, तब इसका जो अलग अलग 8GB पिन और फिलामेंट पिन तब एक्यूरेट कनेक्शन होगा। और उसका बाद दोस्तों लास्ट में आपको ये जो चॉपर आप देख रहे हो, ये चॉपर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये जो चॉपर होता है इसका जो कनेक्शन एक बार देख लीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट कॉइल का ये कॉल का जो कनेक्शन फर्स्ट ये चॉपर पर आ जाएगा, और ये चॉपर का इधर जो पिन होता है ये एक ही सा कनेक्शन है, ठीक है, ये अलग से एक चॉपर है, ये टीवी का चॉपर नहीं है, ये आउटपुट का एक चॉपर मार्केट पर मिलता है। और देखिए इसका जो वायरिंग, ये वर्टिकल कॉइल
ये कॉइल का जो कनेक्शन ये पूरा ही अलग है, इसका शायद कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल का कॉइल होता है, हॉरिजेंटल का जो ये कॉइल का जो कनेक्शन होता है, ये देखिए ये दे कनेक्शन इस पर जॉइंट है। तो दोस्तों ये जो वायर में सिर्फ आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये जो कनेक्शन होता है और ये जो चॉपर यूज़ होता है, एक्चुअली ESD बहुत हाई बनता है। ये 70 इंची ये कॉइल का कनेक्शन जब करेगा तो उसी का कारण का बजाय ये जो ESD होता है, ESD बहुत हाई बनता है और पिक्चर का जो दोनों साइड होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली मार्केट जो चाइना की इस पर जो ESD यूज़ होता है, आपको दिखा देता हूँ एक बार प्रैक्टिकली, ये T1010A का ESD है और 4014 का ESD इस पर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ESD बहुत हाई बनता है, ये 1010A लास्ट A होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सेक्शन पर ये ESD आप 1010E लगाएगा और 1719 की ESD लगाएगा तो वो जो चॉपर होता है वो चॉपर लगाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है। तो दोस्तों फाइनली मैं TV को रेडी किया और इसका पिक्चर क्वालिटी अभी ओके आ गया ये 7-7 लाइन देने के बाद, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं कुछ अमेजन एफिलिएट लिंक देख के रखा हूँ, आप अमेजन से कुछ प्रोडक्ट खरीद कर सकते हो।